पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। भी नहीं, ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। बैंगलोर के जस्ट बगल में मिलेगा कोलार की सोने की खान, कोलार की सोने की खान, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, KGF मिल गया, कोलार गोल्ड फील्ड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, KGF, कोलार के सोने की खान, अंग्रेजी में KG। सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड मिल गया, इस पे फिल्म बनी है, दो दो फिल्म। हाँ, आप सब लोग तो देखे ही होंगे KGF Chapter 2। थ्री भी आने वाला है, कितना सोना है जी, खत्म नहीं हो रहा इसमें। चलिए, हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं, साउथ की बाहुबली हो गया या वो सब चीजों, पुष्पा। आगे देखें, साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर, और यहां वाला इन सब को छोड़ देंगे तो ये गारे नाचने लगेगा सब। ये जगह कौन सा, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये जगह सोने की खदान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक शायर ने शायरी कहा था, देखिए बाली जो होता है कान में पहना जाता है, कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। समझो, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत ये भारत पे एक धब्बा है, हमारे यहाँ दहेज पर था, समझे, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं, दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा, भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया ना, अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे, दहेज प्रथा अजीब सा, किसी के आप ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या, हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंगे में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद, कहा कि सर ले लेते ठीक ठाक रहता, फिर काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहे बेटी की शादी करनी है। अमूमन गांव में देखिएगा, कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है जो बेटी की शादी करे। ये भारत, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है, हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी, हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे, यहीं वाले जाके सिखा दिए होंगे, जो शादी हुआ होगा तेरह टाल भी लड़का रहा होगा 5 लाख दे दिया होगा, गलत चीजें। लड़कियों को भी कहते हैं आप लोग से कि ये चीजें आप लोग में ना, सबसे बड़ा खराबी क्या होता है महिलाओं में, कि अगले 20 साल का प्लान क्या होना चाहिए आप में कोई तैयारी नहीं करता है, ना ही आप लोग के लिए कोई इस तरह आगे लड़ने वाला है कि अगले 20-30 साल तक क्या प्लान होना चाहिए। ये लोग सोचे कि दहेज काले खत्म हो जाए, नहीं होगा, अगले 20-30 साल का प्लान रखना पड़े। आप में कोई महिला संगठन रहता जो महिलाओं को एक बार दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता, कि अगर दहेज बिना दहेज की शादी हुई है तो उस महिलाओं को एकदम प्रॉपर पता रहता है कि हमारी शादी अगर बिना दहेज की हुई है तो समाज से लड़ के वो इंसान दहेज नहीं लिया, आपका भी कर्तव्य बनता है उस घर को एकदम बगीचे की तरह सजा के रखिए, ताकि मोहल्ले तक को पता चल जाए कि हाँ उनके घर बहू आई है। ये सोच के कि दिमाग में ये छाप छोड़ा जाए कि ये बहू बिना दहेज की आई है, कितने अच्छे से रखी हुई है इसको, और जो दहेज ले रहा है ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको लड़ाई कर लेना है दहेज, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ देना है कि नहीं, बिना दहेज की लड़की आई है, घर को इतना संभाल के रखी जिसका कोई हद नहीं, हर चीज एकदम, ये सोच के समझिए कि जिस तरह आजादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया,
आपको इस तरह से बलिदान देना पड़ेगा, दो बात सुन के भी रहना पड़ेगा ताकि 10 साल 20 साल बाद समाज में ये छाप छूट जाए कि बिना दहेज की शादी पे बहू अच्छी मिलती है, फिर देखिए लोग खुद से त्याग देंगे। लेकिन ये लड़ने कोई तो चाहिए होगा ना इसको बताने के लिए, हम सोचते हैं कभी कोई तो महिला आए, जब लास्टली देखेंगे नहीं आता है तो फिर हम खुद ही आएंगे आगे। क्योंकि एक बिहारी ने ही कहा था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है, और इस जीवन में हम इसको ख़त्म करके भी जाएंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर। और महिला अजीब टाइप, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दहेज ख़त्म आप लोग के हाथ में, अगर दहेज नहीं लिया है कोई ना, आप उसकी 10 गलती भी अगर करें ना, बिना गलती भी बोले सुन लीजिए और उसको एहसास दिला दीजिए कि माता जी आप हमको जितना बोल रही हैं ना, हम इसलिए सुन लेते हैं कि आप लोग इतने संस्कार वाले हैं कि इस समाज लालची समाज में भी आपने बिना दहेज का शादी किया, अगले दिन से डांटेगी भी नहीं। बोलने का भी एक तरीका होता है, सुन लीजिए चुपचाप और उसको एहसास भी करा दीजिए कि देखिए आप गलती से डांटिए, हम सुन लिए और ये भी सुन लिए कि आपका संस्कार है, तो डांटिए भी तो उसका सम्मान बढ़ा के। धीरे 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 समाज से ये खत्म होगा, ऐसे लड़ के दहेज कभी नहीं खत्म होगा, ये लाइन है। इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है, समझ में आए ना। तो आप लोग दूसरे बस आप लोग का कोई बेहतरीन ढंग से, मतलब देखिए जो लीडर होता है ना उसको छल कपट भी बहुत अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि रावण को रावण की बुद्धि से मारना पड़ेगा, राक्षस को इंसानियत से नहीं मार सकते। तो दहेज पड़ता है एक राक्षस, उसको मारने के लिए आपके पास कई तरह की बुद्धि होनी चाहिए, तत्काल क्या स्टेप लेना है, लॉन्ग टाइम में क्या स्टेप लेना है। लेकिन महिलाओं के लिए हम देखते ही नहीं है कोई बात का, इस टाइप का कोई बात नहीं होती है महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का। और लड़का लोग को भी कहते हैं दहेज प्रथा आप लोग अपने मम्मी पापा को मना कीजिए, माँ बाप ही मांगता है दहेज, बहन का, अबे गधा कहीं का, बहन का देना पड़ता है तो कमाओ उतना। हमारी बहन, हमारी खुद की बहन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर हम रहते तो ऐसा नहीं है कि हमको बहन को देना है तो दहेज ले लेंगे। इसका मतलब क्या चीज, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम भी कर दें, लड़िए आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं। अच्छी बात है, वहाँ पे सबको जागरूक होना चाहिए, आप समझ में आ गया कि नहीं। हमारे घर वाले तनी मांग के देख ले एक रुपया, हम कह देंगे वही में खा लीजिए, लोग हमारा से मन मांगिएगा दोबारा, स्पष्ट। हमारे घर वाले अगर हमारी शादी करते हैं और दहेज मांगते हैं तो हम कह देंगे वही पैसों से जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर हमसे मत मांगिएगा, बेच दिए हमको आप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बेटा पे ज्यादा भरोसा है कि दहेज पर। 2 मिनट में हम किसी गलत, हम पिताजी का ना बर्दाश्त करते, मम्मी पापा भी अगर कोई इस टाइप का बात रहता उसको पता रहता कि नहीं सुनेगा, नेतवा तो अपने हड़कल लाता है यार, ये आदमी है नहीं है कुछ और है। हमको झगड़ा करना रहेगा ऑन टेबल कर लेंगे हम, यहाँ ये सब चीज़ों से एकदम बच के रहिए। अरे मेहनत कीजिए जी, आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे बिहारी हैं आप लोग, आपको लड़ना चाहिए, छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी, बहन बोझ थोड़ी है आपकी, यहाँ पर आप कमा के कीजिए वहाँ पर। लेकिन देखिए गार्जियन ही ज़्यादा मांगते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, बाकी नहीं ऐसे। हालांकि लड़की सब अपना एक शॉर्ट टाइम उपाय किए हैं, सब बतिया बतिया के कम करा देती है सब। ये शॉर्ट टाइम उपाय है। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी लगा 1 साल पहले, वो बतियाने लगा और उसने दहेज कम करा दिया, दहेज में पहले बात हुई थी 8-10 लाख पे, उसने कैंसिल करा दिया। और उसके बाद वो लड़की कही देखिए ना शादी का डेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो है नहीं, ये कहा कोई बात नहीं हम देते हैं तुमको, ये दिया। और उसके बाद भी घट गया ना, तो हमसे कहा भाई कुछ मदद कर दो, हमने उसको बिना पूछे कहे कि तुमको जितना मदद चाहिए हम तुमको कर देंगे, इसलिए कि तुम समाज के एक रूढ़िवादी व्यवस्था से लड़ रहा है तुम यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया वहाँ। और जब हम उसके शादी, हम किसी की शादी जल्दी शादी में नहीं जाते, उसकी शादी में हम क्लास छोड़ के गए थे केवल इसलिए कि उसका हौसला ना टूटे। और वहाँ हम जाके भी बोल दिए थे दोस्ती के नाते नहीं लेकिन इस नाते जरूर आए हैं कि तुमने दहेज नहीं लिया। और एक ऐसे घर की बेटी को ला रहे हैं और उसके पिताजी को देखे थे ना, लड़की को तो अच्छा कपड़ा पहनाए थे, सब कुछ खाना पीना करा, बेचारा अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाए थे लड़की के जो पिताजी थे। इस चीज़ से लड़ना पड़ता है आप लोग को, समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, बदलेगा लेकिन कौन कहा है कि नहीं बदला जा सकता है, एक दिन में नहीं बदला सकता, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो सुबह होने से नहीं रोक सकते, होगा एक दिन सुबेरा।
और वो समय भी आएगा जब किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लगेगी, बोझ होती भी नहीं है बेटी, लेकिन होता क्या, 5 लाख दहेज, 200 बाराती, नगद कैश, सोना, ये सब के वजह से बेटियां क्या हो जाती हैं, बोझ हो जाती हैं। और आप लोग भी एजुकेशन लीजिए और ये सब चीज़ों को सुधरिए। अगर कोई दहेज नहीं दे रहा है तो 4 को बिना गलती अगर बोल देता है तो उसको सुनिए एकदम अच्छे से, और अगले दिन बोलिए, इन कि खड़े बोल दे सुन तो निकाय कहती दहेज निकल ले मार देगा वही जाना भीर आराम से एक आधे दिन बाद बोलिए, जब मैटर साथ हो जाता है जाके सास को बोलिए आराम से, मम्मी जी जानती है कल आप बोली इतना, हम इसलिए नहीं बोला, आप लोग इतने संस्कार वाले हम क्या बोले, उसको खुद बेचारा समझ में आएगा, रियलाइज होगा, लेकिन ये सब दूर तक सोचबे नहीं करती है। इस सबको लगता है कि आधा लड़की, इस सबको लगता है खान सर इन सब को विकास रोके हुए हैं, अरे हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, समझ में आ गया नया, इस सबको विश्वास ही नहीं होता। तो चलिए कोलार गोल्ड बीट समझ में आ गया।